This is an egg finger. Okay. Yeah, egg finger. Yeah, most of you have seen somewhere like chicken fingers or fish finger. Yeah, this is a different one, egg finger. Gears and garage. ये जो रेस्टोबार है मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि ये रेस्टोबार को कवर करने के लिए तो फाइनली वी आर हियर इन दिस प्लेस. बहुत ही बढ़िया म्यूजिक है, बहुत ही बढ़िया वाइब है इस रेस्टोबार के. और अभी ये रेस्टोबार में क्या अलग है, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट द बारटेंडर्स, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट द एंटायर स्टाफ आउट हियर, आई एम गोना शो यू आउट स्टार्टिंग विद द बारटेंडर हिमसेल्फ. सो चेक आउट. सो प्रेम ब्रो इज हियर. हाय ब्रो. सो ही इज द पॉपुलर बारटेंडर ऑफ गियर्स एंड गैराज. ओवर यू मैन. And Ganesh bro is also here. Gears and Garage. This is the famous bar section of Gears and Garage. Today we'll make a painkiller. Yes, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ जियर्स एंड गराज का एम्बियंस. बट उससे पहले मिलते हैं यहाँ के फेमस डीजे, डीजे करण से. डीजे करण इन द हाउस. सो लेट मी शो यू व्हाट स्पेशल थिंग ऑफ जियर्स एंड गराज. It depends on your luck. आपका क्या लक आता है. तो यहाँ पे कुछ भी आता है. We dare you to try the tropical ride. So like this, you can just. यहाँ का जो theme based restaurant है, the name itself indicates the theme. That is gears and garage. आपको इस restaurant में बहुत ही amazing तरीके से जितने भी bikes के parts होते हैं, F1 racing के parts होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे, यहाँ पे walls पे भी आपको. पंजाब में बहुत famous है bullet बोलते हैं. मैं इस ब्लॉग में bullet का ही use करना चाहूँगा. देख सकते हैं आपको इवन बुलेट के अंदर भी लाइटिंग दी है, जैसे लग रहा है कि वॉल पे ये राइड कर रहा है. समथिंग काइंड ऑफ गोस्ट राइड है. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर जगह पे एलॉयज एंड व्हील से इसकी डेकोरेशन की गई है. इट इज नॉट लाइक पेपर और समथिंग, इट हैज बीन डिजाइन विद मेटल. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एसी डक्ट्स पूरे प्रोवाइड किए गए. और ये जो रेस्टोबार है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 110 वैरायटी ऑफ डिशेस आपको मिलते हैं. आपको एक ट्रॉपिकल खाना है कि आपको थाई खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना है, चाइनीज खाना है, आपको हर टाइप का फूड आइटम मिलेगा. हर एक जगह पे आपको गियर्स मिलेंगे. हर एक जगह पे जैसे गैराज में जो जो चीजें यूज होती है, यू विल फाइंड दैट अमेजिंग थिंग. और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग भी देख सकते हैं. यहाँ पे बढ़िया अमेजिंग तरीके से राउंड सर्कुलर हैंगिंग लाइट्स दे रखी है. गाइस फाइनली बारी आ चुकी है हमारे खाने की. और ये जो रेस्टोबार है, इट इज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी फेमस फॉर ऑल द थाई एंड क्यूजींस एंड ऑल. हमारा खाना भी आ चुका है. सो माय गॉड, सो दे हैव प्रोवाइडेड अस विद 3 सिग्नेचर स्टार्टर्स. और आज इस ब्लॉग की खासियत ये है कि जो गियर्स एंड गैराज के यहाँ के जो हेड शेफ है राम सर, वो भी हम यहाँ पे अवेलेबल है लकीली. तो अच्छा रहेगा हम उन्हीं से पूछेंगे. सो राम सर इज हियर, द हेड शेफ ऑफ गियर्स एंड गैराज. हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? And for the very first time, I'm seeing a like head chef with a very unique physique. So, sir, can you like explain us about this, all these 3 dishes? Sure. Definitely, the threes are you can get an, means you won't get anywhere. Like okay. It's like this is an egg finger. Okay. This is egg finger. Yeah, egg finger. Yeah, most of you have seen somewhere like chicken fingers or fish finger. Yeah, chicken and fish. This is a different one, egg finger. Okay. Yeah. Okay. So this is a unique one here, and this is one of paneer. This is a candied paneer. So this candied inside, like it's a kind of candy. Okay, kind of candy. Okay. Candy, yeah. So you'll get the taste like sweet and sour and spice. Oh my god! And it's a totally like the upper part is totally crunchy and okay. Inside is a soft paneer. Wow. Yeah. Wow. So just you have this, wow. Definitely you'll enjoy this. So Angri's kebab. So it's a like more spice than. More spicier than yeah. Other kebabs. Yeah, definitely. So they have added like roasted spices on that. Roasted okay. Kashmiri chili powders and all. Okay, like it's quite different because you have added all the roasted ingredients yeah, in it. Okay. Ingredients. So definitely you'll enjoy the few things. So हम लोग start कर रहे हैं egg finger से, क्योंकि जैसे कि राम सर ने भी बताया कि आपने fish finger और chicken finger बहुत खाया होगा, but for the very first time I am seeing
एग फिंगर. सो लेट्स टेस्ट इट आउट. बट खाने से पहले मैं चाहता हूँ आप इसको देखें, जितना आउटसाइड जितना क्रिस्पी है अंदर उतना ही क्रीमी है. सो लेट्स टेस्ट आउट एग फिंगर ऑफ गियर्स एंड ग्राज. वाओ, इट्स रियली डिलीशियस. सो अभी कैंडिड पनीर टेस्ट करते हैं. कैंडिड पनीर को खाने से पहले फर्स्ट हैव अ लुक ऑफ इट. यहाँ पे आपको 110 वैरायटीज के यहाँ पे डिशेस मिलते हैं, 110. सो आई हैव नेवर हर्ड इट एनीवेयर एल्स. सो दिस इज कैंडिड पनीर. जैसे कि एक कैंडी होती है, कैंडी के तौर पे इसको प्रेजेंट किया जाता है. एक स्क्वायर बॉल्स को पनीर पीसेस को कट करके हमारे को सर्व किया गया प्लेट में. वाओ, इट्स रियली 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 अमेजिंग एंड वेरी टेस्टी. बचपन में कैंडीज तो बहुत खाई थी, बड़े होके पनीर कैंडीज खा रहे हैं गियर्स इन गराज में. चीयर्स. सो अभी हमारी बारी है हमारी थर्ड सिग्नेचर स्टार्टर, अंग्रेज कबाब. आपने रेगुलर कबाब्स तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अंग्रेज कबाब, क्योंकि यहाँ पे आपको रोस्टेड मसाले यहाँ पे दिए जाते हैं. कांट वेट टू टेस्ट इट. वाओ गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स नथिंग लाइक अ रेगुलर कबाब. द फ्लेवर्स, द इंग्रेडिएंट्स व्हाट दे हैव पुट इन इज रियली रियली ऑन नेक्स्ट लेवल एंड वेरी वेरी टेस्टी. Woo! So guys, finally check करते हैं जो फ्लेमिंग टार बना है उसका टेस्ट कैसा है. वोडका बेस के साथ ये बना हुआ है. So the beauty of gears in garage, blue base, red base, yellow base, and all together. My God, it's magic in the air. It's literally magic in the air. आपको एक जैसे लगता है आप किसी आईफा या और फंक्शन में जैसे जाते हैं, एक आपको रेड कार्पेट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पर्दों के साथ आपका स्वागत किया गया. So बहुत ही अमेजिंग. यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चैंडलियर दिया गया, तो आप यहाँ पे साइड में देखेंगे तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से वुडन फ्रेम को कटिंग करके उसको यहाँ पे डिजाइन किया गया. ऑल द कॉर्पोरेट पीपल हु वांट टू डू कॉर्पोरेट बुकिंग, दे शुड डेफिनेटली ट्राई आउट गियर्स इन गराज, विच इज इन नुंगंबक्कम. वेरी फेमस फॉर इट्स अमेजिंग क्यूजींस, वेरी फेमस फॉर इट्स ड्रिंक्स. सो गराज इज हाई ऑन म्यूजिक, सो एस्पेशली दिस इज दैट सेक्शन वेयर आवर DJ Karan plays music. Amazingly designed. जैसे लग रहा है कि ये भी एक कार बेस्ड और वैन बेस्ड थीम पे डिजाइन है. जैसे एक वैन में कोई डीजे आया है, एक क्रूज पार्टी चल रही है, उस टाइप का आपको यहाँ पे वाइब मिलता है. लेट मी ट्राई आउट माई लक. सो वॉट आई एम गेटिंग, ओ माई गॉड, गेट टू बी अ मग. Actually, it was going there. Better luck next time, but it again came back because the luck is on my side. So now let me take you again to my table and we are going to enjoy the main course. So let's try out the best signature dishes of Gears and Garage. Till then, you can just check out the DJ section. So here with us right now is Nagendra bro. How are you doing, bro? Yeah, I'm good, doing great. Yeah, the ambience and the vibe is literally crazy. A shout out to Nagendra bro. Yeah. And meet the amazing bartender Isaac bro. Yeah, how are you, man? Yeah, great, doing great. Yeah. And this is the amazing
bar section of Gears and Garage, which is literally crazy. I'm really loving the vibe of it. You can check out the amazing how they have entirely designed it with the operational running gears and the amazing staff. So now I'm gonna take you back to the table and we are gonna see the menu, how the menu and what are the prices are. And I'm gonna take you back to the table and we are gonna order the main course. So guys, let's check out the menu of Gears and Garage. क्योंकि बहुत ही अमेजिंग यहाँ का मेन्यू भी है. आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये डिज़ाइन मेन्यू है. इफ़ आई विल शो यू द स्टार्टर्स थिंग, यू कैन फाइंड आउट. यहाँ पे मसाला पीनट से लेके ऑनियन रिंग्स तक यहाँ पे अवेलेबल है. चिली स्टफ, बेबीकॉर्न एंड नॉन वेज स्टार्टर्स आर ऑल्सो लिटरली क्रेजी. एंड मेन कोर्स यू फाइंड अमेजिंग बैम्बू बिरयानी, ग्रिल मास, बीफ स्टीक, सोया गार्लिक चिकन. एंड दिस इज द अमेजिंग मेन्यू ऑफ गियर्स एंड गराज. फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे स्टफ चिकन ब्रेस्टेड. तो देखते हैं इसका कैसा टेस्ट होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑफ इट. सो फॉर प्लेटिंग 515, तो सबसे पहले देखते हैं कैसा होने वाला है. और बारी आ चुकी है इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है स्टफ ब्रेस्टेड चिकन. Wow, really next level, very tasty and very delicious. I'm literally loving it. Plating is literally bang on. I literally loved it. Best order of my rice ko. सेंटर में एक डिजाइन करके हमको दिया गया. तो उसका टेस्ट कैसे होने वाला है अभी वो हम चेक करते हैं. माय गॉड, वेरी वेरी टेस्टी. मजा आ गया, मुझे तो बहुत ही मजा आया. द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ गेट्स एंड गराज वाज टोटली ऑसम. लिटरली लविंग द फूड, ड्रिंक, cocktail, table tower, everything is bang on. Thank you so much for inviting me to shoot this vlog here. A shout out to the all the staff of Gears and Garage. They are literally amazing and they are literally putting their heart and soul in this business. And I'll see you in the next vlog. Till then, keep partying, keep enjoying.